मीनिंग ऑफ सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है? ये पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसीजन मेकिंग पावर, यानी कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी और निर्णय लेने की शक्ति एक टॉप मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन के पास होती है, इसे ही सरल शब्दों में सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। मेकिंग पावर एट टॉप ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, सेंट्रलाइजेशन में सभी डिसीजन एक टॉप लेवल के पोजीशन पे जो होते हैं वही लेते हैं। उसी भाषा को नीचे लिखा गया है, देयर एग्जिस्ट मोर देन वन लेवल विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड दैट डिसीजंस आर मेड ओनली बाय द हाईएस्ट लेवल। तो जैसे कि आप जानते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में ढेर सारे लेवल्स होते हैं और उन लेवल्स में डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास होता है? जो एक हाईएस्ट लेवल पे होता है। अब जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू एलन, एलन क्या कहते हैं? एलन के अनुसार सेंट्रलाइजेशन इज सिस्टमेटिक एंड कंसिस्टेंट रिजर्वेशन ऑफ अथॉरिटी एट सेंट्रल पॉइंट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। इस लाइन का मतलब हुआ, जब अथॉरिटी एक सेंटर के पास रिजर्व रहती है या कंसंट्रेटेड रहती है तो वही पावर ले पावर मेकिंग में नंबर वन और अथॉरिटी में नंबर वन होता है, वही डिसीजन मेकिंग सारे पावर लेता है जो भी एक इंस्टीट्यूशन या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। वहीं जो थर्ड पॉइंट है, पावर इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर, यानी जो सेंटर है जो टॉप लेवल होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में वहाँ पे पावर कंसंट्रेटेड होती है। रीजनल यूनिट्स फॉलो द कमांड, रीजनल यूनिट्स जो होती है एक ऑर्गेनाइजेशन में वह सिर्फ एक कमांड को फॉलो करती है और जो डिसीजन मेकिंग जो होती है दैट रिसाइड्स ओनली विद द सेंटर, यानी जो डिसीजन मेकिंग पावर होगी उसके वो सेंटर के पास रिजर्व रहेगी। अब जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक हेड है और नीचे सब यूनिट्स हैं, तो जो हेड डिसीजन लेगा वही सब यूनिट्स फॉलो करेंगे, इसे ही सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। तो यह एक सिंपलेस्ट डेफिनेशन थी सेंट्रलाइजेशन की, जिसे आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं 4 से 3 पेजेस में बहुत ईजली। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब।